अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक बहुत अच्छी सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ और ये है रेमेडी कॉकरोच को जो है किल करने की। इसके चार इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं मिला चुकी हूँ। इसमें मैंने लिया है, ये साइज़ है, किसी भी चीज़ से आप जो है मेजर कर लें। तो एक ये लिया है मैंने मैदे का, एक लिया है ड्राई पाउडर और है इसमें भी इतना ही बारीक पाउडर और इतनी शुगर। ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है और मैं बहुत अच्छे से मेरी आजमूदा है, तो मैंने सोचा चले आज आप लोगों के साथ शेयर करते, शायद किसी के काम आए। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद मैं इसकी एक अच्छी सी डो बनाऊंगी और डो बनाने के बाद डो इतनी सख्त कह लें, मतलब इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि उसका छोटी छोटी बॉल्स बन जाए और वो बॉल्स बना के आप अपने किचन के कैबिनेट्स में, अपने वार्डरोब्स में, जहाँ दिल चाहे, जहाँ कॉकरोच हो रहे हैं वहाँ वहाँ डाल दें। और फिर आप कुछ दिनों में खुद ही देखेंगे कि आपके कॉकरोच जो हैं वो गायब होना शुरू हो गए हैं। तो ये मैंने बहुत दिन से रेमेडी बनाई नहीं थी, तो आजकल कुछ थोड़ा सा इशू आ रहा है कॉकरोच का, तो मैंने चलें बना लेते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो बस इसके साथ अब मैं जो है पानी के साथ इसको मिक्स करूँगी और पानी आप इतना डालें जितनी आपको नीड हो, और अगर पतला हो जाए तो इंग्रेडिएंट्स और बढ़ा दें, ये तो आपके हाथ में है। तो बस इसको मैं इस तरीके से जो है मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसकी एक अच्छी सी डो बन जाएगी और डो बनाने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे इसकी बॉल्स बना ली और बॉल्स बना के आप अपने। लट्टू पेड़े कॉकरोचों के लिए बनाए हैं, प्लेट में रखा हुआ है। तो क्या